उत्तर प्रदेश के पंचायती राज मंत्री और सुभासपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर आज सुल्तानपुर पहुंचे। इस दौरान अखंड नगर के निराला नगर में उन्होंने जिले की सांसद और वर्तमान बीजेपी प्रत्याशी मेनका गांधी के समर्थन में जनसभा को संबोधित किया। मंच से संबोधन के दौरान ओम प्रकाश राजभर ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी योजनाओं की जमकर सराहना की। वहीं विपक्षियों पर निशाना साधते हुए उन्होंने पर्चा दाखिल न करने की नसीहत दी। उन्होंने कहा कि सब पैसा बर्बाद करते हैं, ये सभी 4 जून के बाद चुपचाप वापस चले जाएंगे। वहीं मीडिया से रूबरू हुए ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि इस बार गरीबों को घरेलू बिजली का बिल नहीं देना पड़ेगा। कक्षा 6 से रोजगार परक शिक्षा लागू होने जा रही है ताकि लोगों को रोजगार मिल सके। वहीं यूपी के 2 लड़के क्या कमाल करेंगे के सवाल पर ओपी राजभर ने कहा कि वे अभी बच्चे हैं और हम उनके चच्चे हैं। जनसंख्या मुद्दे पर उन्होंने साफ कहा कि वो कह रहे हैं, वो जनता के बीच नहीं बोल रहे। वहीं साक्षी महाराज की 4 बीवी और 40 बच्चे के सवाल पर राजभर ने कहा कि ये उनका व्यक्तिगत बयान है। उन्होंने विपक्षियों को निशाने पर लेते हुए कहा कि उनके पास केवल जबान है, कोई काम नहीं, जबकि PM CM सहित तमाम लोग जनता के बीच काम कर रहे हैं। स्ट्रीट बस के लिए सुल्तानपुर से लालजी की रिपोर्ट। बोलो मेरे बच्चों। कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर जी आपके समर्थन में आए, इसको लेकर नहीं, मैं बहुत बहुत खुश हूँ कि मंत्री जी ओम प्रकाश राजभर जी आए, और मैं और भी उनको धन्यवाद देती हूँ क्योंकि उनकी माताजी का देहांत अभी अभी हुआ था। ये मीटिंग कैंसिल कर सकते थे लेकिन फिर भी वो आए, और उनकी डेडिकेशन को मैं दाद देती हूँ। मंत्री जी द्वारा बिजली माफी पर कहा गया, उस पर आपने कहा? मैं इस पर कुछ भी नहीं कह सकती, जो जितना कहना था उन्होंने कह दिया। ठीक हो, ठीक। सांसद जी, यहाँ के क्षेत्रवासियों से क्या आह्वान है आपका? आह्वान क्या है? जो हमेशा का था बेटा, कि ऐसे सांसद को वोट दे दीजिए, ऐसे पार्टी को वोट दे दें, ऐसी सरकार को वोट दें जो आपकी सेवा में लगा रही। थैंक यू। सुल्तानपुर आते गए, सुल्तानपुर के लोगों, अगर किसी के घर कोई बीमारी हो, कोई भूत परे चुड़ैल डाइन भरम हो, अपने ओझा से पकड़वा के हमको दे देना, हम ले जाके बनारस के चासमोचन में बैठा देंगे, वो फिर वापस नहीं आएगा। हम ये भी करते हैं। और हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री जी, मैं खुद गवाह हूँ, सदन के अंदर मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने कहा कि उत्तर प्रदेश के 403 विधायक, हम लोगों के बीच में लोकप्रिय विधायक कादीपुर बैठे हैं, सदन के अंदर मुख्यमंत्री जी ने कहा कि 403 विधायकों में सबसे ज्यादा गरीबों के इलाज के लिए अगर कोई रुपया दिया तो ओम प्रकाश राजभर एक ऐसा नेता है जो गरीबों के इलाज के लिए रुपया दिया। विधानसभा के अंदर इस बात को कहा। इस नाते मैं आपसे कह रहा हूं कि तमाम सरकारें हम लोग देखे, लेकिन आज 5 लाख रुपया गरीबों के इलाज के लिए आयुष्मान कार्ड। आज चुनावी जनसभा माननीय बहन मेनका गांधी जी के अनुरोध पर मैं इधर जनसभा करने के लिए, मंत्री जी इधर देखते हुए बोलिए, जो चुनाव चल रहा उस चुनाव में कमल के निशान पर हमने अपने मतदाताओं को ज़्यादातर छड़ी बताई थी, तो उनको याद दिलाने के लिए कि कमल वाली बटन दबाना है, ये संदेश देने के लिए इधर आए। इस बार के लोकसभा चुनाव में कौन सा मुद्दा सबसे ज़्यादा लोगों को प्रभावित कर रहा है? गरीब घरेलू बिजली का बिल 5 साल के अंदर, इस बार वो कमल वाली बटन दबाएगा तो 5 साल के अंदर गरीबों को घरेलू बिजली का बिल नहीं देना पड़ेगा। ये उनके लिए बहुत, वो कहते हैं कि साहब इतना दिन तक भैल हमके, इस बार ये होगा, सारे भी सिस्टम बन गए हैं। एक तो ये उनके लिए है। 5 साल के अंदर कक्षा 6 से रोजगार परक शिक्षा लागू होने जा रही है, 24 के बाद ये 5 साल के अंदर ये शिक्षा लागू हो जाएगी। ये उनके दिमाग में बात समझ में आ रही है कि हमारे बच्चे के हाथ में हुनर होगा तो हमारा बच्चा कहीं भी कारोबार कर सकता है, रोजी रोटी कर सकता है। यूपी में 2 लड़कों की जोड़ी कितना कमाल कर गई, आपको क्या लगता है? वो बच्चे हैं, हम उनके चच्चे हैं। जनसंख्या वृद्धि को लेकर लोग तरह तरह की बातें कर रहे हैं, आपके भी पार्टी के नेता तो इस पे भाजपा से जुड़े हुए, तो इस पे क्या कहना चाह रहे हैं? देखिए, जो लोग कह रहे हैं विपक्ष के लोग,
वो जनता के बीच में नहीं बोल रहे हैं, वो बोल कहाँ रहे हैं, आपके बीच में। अभी भाजपा के ही नेता साक्षी महाराज ने कहा 4 बीवी और 40 बच्चे नहीं चलेगा, इस पर आपकी क्या राय है? ये उनका व्यक्तिगत बयान है। पंडित जी, आज राहुल गांधी और अखिलेश यादव ने प्रेस वार्ता की है और ये कहा है कि मोदी सरकार जो है ये इस चुनाव में 150 के पार आंकड़ा नहीं जाएगा, जो 400 में घोषित किया गया। देखिए, आप लोग गवाह हैं, 2017 के चुनाव में बसपा कर रही थी 300 सीट, सपा कर रही थी 300 सीट, हम लोग 300 पार, तो हम लोग 325 जीते 17 में, देखा आपने। और 300 जीतने वाले कहाँ खड़े हो गए 47 पर। 22 के चुनाव में 400 जीत रहे थे अखिलेश जी, मैं साथ है, हश्र क्या हुआ, शायद मैं नहीं रहा होता तो 47 के नीचे खड़े हो जाते। उन लोगों के पास सिर्फ जबान है, काम नहीं है। यहाँ प्रधानमंत्री, गृहमंत्री, मुख्यमंत्री, सारे हमारी पार्टी संगठन एनडीए के लोग जनता के बीच में बूथ स्तर तक काम कर रहे हैं, जनता को अपनी बात बता रहे हैं, और वो लोग प्रेस वार्ता या ट्विटर पर या एक्स पर, यही तो काम उन लोगों का है, कैसे जीतेंगे। मंत्री जी, जो पंचायती राज व्यवस्था में जो आर्थिक भ्रष्टाचार के मामले सामने आते हैं, इसको किस तरीके से नियंत्रित किया जाएगा? देखिए भैया, देखिए अभी जुम्मा हम